हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। तो आज हम बात करने वाले हैं उषा के रूम मीटर के बारे में, जिसमें क्या दिक्कत है क्या नहीं है इसको हम चेक करते हैं। पहले हम इसको पहले सीरीज में लगाते हैं, यहाँ पर ऑन करते हैं। हमने इसको एक नंबर पे करा, एक रोड पे, तो हमारा ये स्टार्ट नहीं हुआ। दूसरी रोड पे भी हमारा ये ऑन नहीं हुआ है। तो इसमें खोलते हैं, इसको देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। हम इसको खोलते हैं। अब इसको खोलने के लिए पहले इसके जो साइड के जो कवर है, पहले इसको खोलना पड़ता है। इसको खोल लेते हैं पहले। इस तरीके से इसके पेज को खोलने के टाइम पे भी आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि इसमें पेज छोटे बड़े भी हैं। जो पीछे की साइड पेज हैं वो हमारे थोड़े लंबे हैं, और आगे की साइड जो ऊपर की साइड में जो पेज लगे हुए हैं इनका साइज थोड़ा सा छोटा है। तो इन चीज़ का ध्यान रखना आपको, क्योंकि जब आप इसको बंद करोगे, इसको खोलोगे, तब इन पेजों का ध्यान रखना है विशेष रूप से कि कौन सा पेज आगे थे और कौन से पेज पीछे थे। ये देखिए, मैं आपको पेज में दिखा देता हूँ साइज में अंतर। ये इससे इतना बड़ा है पेज, क्योंकि अगर हम इसमें छोटे में बड़ा पेज लगाते हैं तो वहां से बॉडी फाड़ के बाहर अंदर पेज निकल जाएगा। इसलिए हमें पेजों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि कौन से पेज किस साइड में लग रहे हैं। हम इसको खोल लेते हैं। इस तरीके से खुल जाएगा, हमारा एक साइड का पोर्शन दिख जाएगा, जो अपने हमारा जो एलिमेंट लगा हुआ है, ये जो एलिमेंट लगा हुआ है इसका एक साइड का पोर्शन हमें पूरा दिखेगा। और अब दूसरी साइड का पोर्शन भी इसी तरीके से खोलना है। तो अब हमारे दोनों साइड के पल्ले खुल गए हैं ये। अब हम इसके नटों को खोल के एलिमेंटों से वायर अलग कर लेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे। तो हम इसको अब खोलते हैं पहले। ये इस तरीके से इसके नट खोल देने। इसको नट को खोल के हम एक साइड में रख देते हैं, दूसरे एलिमेंट का भी नट खोल लेते हैं। ये इस तरीके से हमने नट खोल लिए इसके दोनों। नट खोलने के बाद हमें ध्यान रखना है कि वायर जो है, देख लेना कनेक्शन कि कनेक्शन कैसे हो रहे हैं। कई बार होता है कि वायर खोल देते हैं और कनेक्शन नहीं होते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। ये हमारे एक साइड में न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल हमारा पहले एलिमेंट में कनेक्ट है, यहीं से लूप होके एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट में जा रहा है। ये वायर कहीं से भी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ लूप कर रखी है न्यूट्रल को। तो ये बहुत इजी है इधर का। और इसी तरीके से हम जो दूसरे साइड का है, दूसरे साइड में हमारी दो वायर आ रही है, एक रेड कलर की आ रही है, एक ये ब्लैक कलर की आ रही है। तो ये ब्लैक कलर की जो वायर है ये न्यूट्रल नहीं है हमारी, ये भी फेस है, और ये रेड कलर की वायर भी हमारी फेस है। ये दूसरी वायर ब्लैक कलर की कहाँ से आ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारा ये जो सिलेक्टर स्विच है, जो हमारा एक पे करंट देता है, दो नंबर पे दूसरे एलिमेंट पे करंट देता है, तो हमारे जो एक नंबर पे जो करंट जा रहा है वो हमारा वायर यहाँ से कनेक्ट होके एक नंबर पे आ रही है, और दूसरे पे जैसे करते हैं तो हमारे दूसरे एलिमेंट पे पावर आती है। तो अब हम ये सीरीज में चेक करते हैं। हम अपने एलिमेंटों को एक किस पे लगाते हैं, इस पॉइंट पे, एक एलिमेंट के दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं। तो ये हमारा सीरीज पे नहीं बोल रहा है, देखिए इस तरीके से एलिमेंट के इस पॉइंट पे भी लगाया, इस पॉइंट पे भी लगाया, ये नहीं चल रहा है। और हम दूसरे पॉइंट पे लगाते हैं तो हमारा ये भी नहीं चल रहा है, ये देखिए। और वैसे हम चेक करते हैं तो हमारी सीरीज अभी ओके, बट एलिमेंट पे बल्ब नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे दोनों एलिमेंट डेड है। तो अब हम इन एलिमेंटों को खोलते हैं। खोलने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें लॉक सिस्टम है यहाँ पर। ये देखिए, एलिमेंटों को रोकने के लिए कि हमारा लॉक लगा हुआ है, पास में आके दिखाओ, ये लॉक लगा हुआ है। इन लॉकों को हमें बिल्कुल स्मूथली, बिल्कुल स्ट्रेट करना है इन्हें, क्योंकि अगर ये हमारी पत्ती टूट गई तो फिर हमारा लॉक टूटने के बाद में हमारे यहाँ पे एलिमेंट नहीं रुकने वाला, ना ही ये पत्ती रुकने की। इसलिए हमें बहुत प्यार से इसको स्ट्रेट करना है इस तरीके से। ऐसे ही दूसरे वाले का कर लेते हैं इस तरीके से। ये अच्छा, एक चीज और, हम इसमें केवल एक ही साइड के लॉक खोल के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं, दूसरी साइड के हमें लॉक खोलने की जरूरत नहीं है। इसको यहाँ से केवल पुश करना है पीछे को, और हमारा यहाँ पे ये लॉक जो हमने खोल रखा था यहाँ से
आराम से ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये बाहर आ गया। अब इसमें क्या दिक्कत है कि हमारा ये एलिमेंट खराब हो रखा है, अंदर से जो फिलामेंट है वो खत्म हो चुका है, टूट चुका है, तो ये हमारा खराब हो चुका है बिल्कुल। इसमें हम नई रॉड डालते हैं। इसका मॉडल होता है आपका जैसे स्वास्तिक का Q24। ये रॉड नंबर के हिसाब से मिलती है। Q24 का साइज 9 इंची का है, Q26 का 10 इंची का है, तो इसमें हर एक साइज का अपना नंबर कोड दे रखा है। जैसे इसका है 9 इंची का Q24, तो हम इसमें नई रॉड डालते हैं। ये इसकी रॉड है नई। इसको डालने से पहले हम इसको भी सीरीज में चेक करते हैं। जैसे हमने आपको वहां पे दिखाया था पहले आपको कि चेक करा था तो हमारा सीरीज पे बल्ब नहीं बोला था, तो हम इसको भी चेक करके देख लेते हैं कहीं हमारी नई रॉड ही तो खराब नहीं है। तो ये देखिए हम चेक करते हैं इसको, हमने ऑन कर लिया सीरीज बोर्ड, ये देखिए हमारा चल रहा है यहाँ पे, और ये हमने एलिमेंट चेक करा तो हमारा सीरीज बल्ब जल गया, यानी कि ये रॉड ठीक है। तो हम इसको डालते हैं, पहले हम एक को डाल लेते हैं फिर दूसरी रॉड को डालेंगे। इसको भी डालने का भी वही तरीका है जिस तरीके से आपने निकाला था, उसी तरीके से स्मूथली इसको अंदर डालो यहाँ से। ये देखिए ये डालने के नाइप में हमें ये ध्यान रखना है कि इसका जो कट है, जो फ्लैट कट बना हुआ है, इसका भी यहाँ पे इसी तरीके से फ्लैट कट बना हुआ है। इस कट पे बड़े प्यार से इसको एडजस्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से ये हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। तो ये पत्ती जो है हमने एलिमेंट लगा दिया, ये पत्ती हमने जो यहाँ से खोली थी इसी पत्ते को हमें एज इट इज यहाँ पर फिक्स करना है इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे फिक्स हो गई है। अब इसके जो लॉक हैं इनको हम वापस मोड़ देते हैं। ये इसके जो कनेक्शन है इसके कनेक्शन कर देते हैं हम यहाँ पर ही। जिस तरीके से हमने ये पहली रोड चेंज करी है इसी तरीके से हम ये दूसरी रोड भी चेंज करेंगे। तो हमने इसके दोनों एलिमेंट चेंज कर दिए हैं। अब इसको सीरीज बोर्ड पे टेस्ट करते हैं। ये देखिए हम इसको एक नंबर पे डालते हैं, हमारा बल्ब जल गया। दूसरे एलिमेंट पे डालते हैं तो हमारे बल्ब की लाइट तेज हो गई है। गौर से देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो एक नंबर पे हमारी जो है, एक एलिमेंट पे हमारा बल्ब जो है इस इतना जल रहा है, और जब इसको दूसरे एलिमेंट पे करते हैं तो हमारे बल्ब की रोशनी थोड़ी तेज हो गई है, यानी कि हमारे दो एलिमेंट सही हो गए हैं। अब इसको हम डायरेक्टली ऑन करके देखते हैं। ये देखिए हमने एक पहला ऑन कर दिया है, ये हमारा लाल हो गया। अब हम दूसरा एलिमेंट भी ऑन करते हैं, दूसरा भी हमारा चालू हो गया। ये देखिए लाल होना शुरू हो गया है, ये थोड़ा अंधेरे में दिखेगा। ये देखिए दूसरा भी हमारा चालू हो गया, यानी कि हमारे दोनों एलिमेंट सही हैं। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।